वेलकम बैक गाइस। सो पिछले एपिसोड में हमने चेक किया था कि हम कैसे पता करेंगे कि गिवन सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। अब हमें पता है कि हमारे पास में तीन टाइप के, वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। फर्स्ट इज लिटमस पेपर और लिटमस सॉल्यूशन, सेकंड इज मिथाइल ऑरेंज एंड थर्ड इज फिनॉल थैलिन। वी नो दैट कि लिटमस पेपर में क्या होता है, लिटमस पेपर में एसिड ब्लू से रेड में कन्वर्ट होता है, बेस रेड से ब्लू में कन्वर्ट होता है, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज में क्या होता है, मिथाइल ऑरेंज में भी एसिड रेड कलर में चेंज कर देता है मिथाइल ऑरेंज को, जिसका कलर बाय डिफॉल्ट ऑरेंज होता है। और अगर हम मिथाइल ऑरेंज में, जिसका कलर बाय डिफॉल्ट ऑरेंज होता है, उसमें बेस को अगर डालें तो वो येल्लोइश हो जाएगा, येल्लो कलर का हो जाएगा। और लास्ट में बचा फिनॉल्फथैलिन। फिनॉल्फथैलिन जो होता है उसका न्यूट्रल कलर कलरलेस होता है, उसमें आप एसिड को डालेंगे तो भी वो कलरलेस ही रहेगा, पर अगर उसमें आपने बेस को ऐड कर दिया तो वो पिंक कलर का हो जाएगा। ये हमने पिछले एपिसोड में चेक किया। उसके बाद सामने एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं कि यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ थ्री टेस्ट ट्यूब्स, वन ऑफ देम कंटेन्स डिस्टिल्ड वाटर एंड अदर टू कंटेन्स एन एसिडिक सॉल्यूशन एंड अ बेसिक सॉल्यूशन। मतलब हमारे पास में तीन टेस्ट ट्यूब्स है, ठीक है। ये पहला टेस्ट ट्यूब एज्यूम कर लीजिए, ये दूसरा टेस्ट ट्यूब मानिए और ये तीसरा टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब में है डिस्टिल्ड वाटर, इस वाले टेस्ट ट्यूब में एसिडिक सॉल्यूशन और इसमें बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब आप लोगों को ये बताना है कि इफ यू आर गिवन ओनली विथ रेड लिटमस पेपर, हमारे पास में सिर्फ रेड कलर का लिटमस पेपर है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन से टेस्ट ट्यूब में एसिडिक है, कौन से टेस्ट ट्यूब में बेसिक है। फिलहाल ये हमको पता नहीं है, ये आपको मैंने दिया और आपको मैंने इसे शफल करके दे दिया, ठीक है। तो ये रेड वाला, अब हमको पता है कि ये जो रेड वाला पेपर है अगर इसे हम बेस में पुट करेंगे तो ये ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। तो हमने पहले रेड वाला पेपर, हमारे पास में क्योंकि रेड लिटमस पेपर ही अवेलेबल है, हमने रेड लिटमस पेपर को लिया, डिस्टिल्ड वाटर में पुट किया, हमने देखा कोई कलर चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये बेस तो नहीं है। फिर हमने उसी रेड लिटमस पेपर को लेके एसिडिक सॉल्यूशन में डाला, हमने देखा कि रेड लिटमस पेपर रेड का रेड ही है एसिडिक में, इसका ये मतलब हुआ कि ये दोनों बेसिक सॉल्यूशन नहीं है। फिर हमने बेस में डाला तो हमने देखा कि ये ब्लू कलर में चेंज हो गया, मतलब जिस टेस्ट ट्यूब में रेड कलर का पेपर ब्लू में चेंज हो जाएगा वो बेसिक सॉल्यूशन होगा। अब हमारे पास में ब्लू कलर का लिटमस पेपर हो गया है, जो पूरा रेड था उसे बेस में पूरा इंसर्ट करने के बाद वो पूरा ब्लू कलर का हो गया। अब हमने क्या किया, ब्लू कलर का पेपर इसमें डाला, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, और हमने देखा था कि रेड भी इसमें कोई चेंज नहीं हुआ था और ब्लू भी इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, मतलब ये डिस्टिल्ड वाटर है, न्यूट्रल है। बचा कौन सा, लास्ट वाला। फिर भी अगर आप इसमें वो ब्लू कलर का जो लिटमस पेपर है वो इसमें इंसर्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये रेड में चेंज हो गया, इसका मतलब ये एसिडिक सॉल्यूशन हुआ। तो मैंने आप लोगों को स्टेप्स बताए, बट आप लोग इसे लिखेंगे कैसे, आप लोग इसे लिखेंगे क्या करना है, सबसे पहले स्टेप वन, पुट, कौन सा पेपर है हमारे पास, रेड, पुट द रेड लिटमस पेपर इन ऑल ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स वन बाय वन, एंड इफ द रेड कलर लिटमस पेपर चेंजेस इनटू ब्लू कलर लिटमस पेपर then we say that the solution in which it is converting into blue is basic solution, okay. So that is what we get,
नाउ आफ्टर दैट, अब हमको पता चल गया कि बेसिक कौन है, ये बेसिक है क्योंकि यहाँ पे ये रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है। अब हमारे पास में ब्लू कलर का लिटमस पेपर है, अब हमने इन दोनों में ब्लू कलर का लिटमस पेपर डाल के चेक किया। नाउ पुट द ब्लू कलर लिटमस पेपर इन द रेस्ट ऑफ द टू टेस्ट ट्यूब्स। इफ द रेड कलर, इफ द ब्लू कलर चेंजेस इनटू रेड कलर, that test tube will be acidic in nature and we will get that result in this test tube, and after that the last test tube will be neutral. So this is how you need to understand कि भाई ये जो तरीका है litmus paper से check करने का वो कैसा होगा और कैसे हम पता कर पाएंगे कि अगर हमें सिर्फ रेड litmus paper given है या सिर्फ ब्लू litmus paper given है तो हम ये पता कर पाए कि गिवन सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। सो गाइज लेट अस नाउ डिस्कस अबाउट एसिड्स, व्हाट आर एसिड्स एंड व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि एसिड अलग अलग चीज़ों से कैसे रिएक्ट करेगा, एसिड मेटल से कैसे रिएक्ट करेगा, एसिड नॉन मेटल से कैसे रिएक्ट करेगा, एसिड सॉल्ट से कैसे रिएक्ट करेगा, एसिड में हाइड्रोजन गैस कब इवॉल्व होगी, ये सब चीज़ें हमें मेटल्स एसिड्स के बारे में चेक करना है। बट बिफोर दैट हम लोगों को एसिड के बारे में एक बेसिक जानकारी लेनी है। सो व्हाट डू वी नो अबाउट एसिड्स। अब गौर करिए, हमारे घर में बहुत सारे एसिड होते हैं, जैसे आपने नींबू लिया लेमन एंड कट द लेमन एंड टेस्ट इट, यू विल फाइंड दैट द एसिड दैट द लेमन इज सोर इन टेस्ट। तो पहली प्रॉपर्टी क्या हुई एसिड की, कि ये सारे एसिड जो होते हैं ये खट्टे होते हैं। जैसे नींबू सत्व साइट्रिक एसिड हम लोग बहुत बार यूज़ करते हैं अपने घरों में ढोकला बनाने के लिए, या बहुत सारी चीज़ों में खटाई होने की वजह से हम वहाँ पे साइट्रिक एसिड का यूज़ करते हैं। तो साइट्रिक एसिड रहता तो पाउडर फॉर्म में है ना। तो देखिए कोई भी एसिड या कोई भी बेस किसी भी फॉर्म में हो सकता है, पर हमें चेक करने के लिए उसे पानी में मिलाना ज़रूरी है। अगर हमें हमारे पास में साइट्रिक एसिड का पाउडर रखा हुआ है और हमारे पास में नमक रखा हुआ है सोडियम क्लोराइड, ठीक है, और हमें बताना है इन दोनों में से एसिडिक कौन है और बेसिक कौन है, तो हम पाउडर फॉर्म में नहीं बता सकते, हमें दोनों को अलग अलग पानी में मिलाना पड़ेगा, उन्हें पानी में सोल्यूबल करना पड़ेगा एंड देन विद द हेल्प ऑफ एनी ऑफ द इंडिकेटर, लेट इट बी लिटमस पेपर, लेट इट बी फिनोल्फथैलीन और लेट इट बी मिथाइल ऑरेंज, हमें उसमें चेक करना पड़ेगा फिर कि भाई ये एसिडिक है या बेसिक है। तो एसिड और बेस पाउडर फॉर्म में भी अवेलेबल है, सॉल्यूशन में भी अवेलेबल है, हमें पर चेक करना है हमेशा सॉल्यूशन को। चलिए अब ऐसा क्यों, तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्यों हम लोग एसिड और बेस को हमेशा सॉल्यूशन में चेक करते हैं। इसका आंसर आगे मिलेगा आपको, बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, पर पहली चीज़ हमें समझना आ गई कि एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। ये तो हम लोगों ने कई बार खुद से एक्सपीरियंस भी किया है, ठीक है। इसके अलावा जो एसिड होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, देखिए कुछ एसिड तो ह्यूमंस के पेट में भी होते हैं। जैसे हम लाइफ प्रोसेसेस में पढ़ेंगे कि जैसे हमारा जो फूड है वो हम हमारे माउथ में सलाइवा में उसे मिक्स करते हैं, फिर वो सलाइवा के थ्रू फूड पाइप इसोफेगस के ज़रिए हमारे स्टमक में जाते हैं। अब हमारे स्टमक के अंदर में HCl एसिड होता है, कौन सा एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड। ये कहाँ होता है, हमारे स्टमक का जो इनर लेयर है जिसे हम म्यूकस बोलते हैं उसके अंदर में, ठीक है। और ये HCl वहाँ करता क्या है, तो स्टमक के अंदर में
ये HCl का काम है कि ये वहाँ पे एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, ताकि अगर हमारे खाने में कोई जर्म्स है, कोई वायरस है, तो वो कोई बैक्टीरिया है, तो वो पेट में वो एसिडिक मीडियम इन बैक्टीरिया को वहीं के वहीं मार देता है, वहीं के वहीं इनको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो दिस इज द यूसेज ऑफ HCl इन ह्यूमन बॉडीज स्टमक। अब एक और बात, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को अल्सर हो जाता है। अल्सर एक बीमारी है जिसकी वजह से पेट में बहुत जलन होती है। तो अल्सर में होता क्या है, हमारा जो अंदर का लेयर है, जो हमारा पेट है, पेट के अंदर जो स्टमक है, उसमें जो अंदर का लेयर होता है, वो अंदर का लेयर में छोटा सा भी अगर छेद हो जाए तो HCl एसिड वहाँ से निकल के पेट के अंदर आ जाता है खाने के साथ, जहाँ खाना स्टोर है, और वहाँ पे इसी वजह से हमें बहुत जलन होती है, जिसे भी अल्सर होता है। ओके, सो दिस इज द कॉज ऑफ अल्सर, एंड दिस इज हाउ यू गेट टू नो कि भाई एसिड कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों को मधुमक्खी ने काट दिया है ना, काटा है कभी, और मधुमक्खी कभी काटती है तो बहुत जलन होती है ना, वो भी एक प्रकार का एसिड वहाँ पे छोड़ देती है। जहाँ पर भी मधुमक्खी आपको काटेगी वहाँ पे एक प्रकार का एसिड मधुमक्खी छोड़ देगी। अब ये कौन सा एसिड होता है, ऑक्सैलिक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, कि एसिडिक एसिड होता है, यही हम लोगों को इस पर्टिकुलर टॉपिक में पढ़ना है, एसिड्स में, और हम इसे आगे चेक करेंगे। तो हमें पहली चीज जो मिल गई है एसिड के बारे में, वो है कि भाई ये जो एसिड होता है ये सोल इन टेस्ट होता है, ठीक है। इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी क्या है एसिड की, एसिड एसिड्स टर्म्स रेड लिटमस ब्लू और ब्लू लिटमस रेड, बताइए। सो हम लिखेंगे एसिड टर्म्स ब्लू लिटमस इंटू रेड, बिकॉज रेड इज द कलर फॉर एसिड। सो ब्लू लिटमस पेपर को आप एसिड में पुट करें तो वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप एसिड को रेड कलर एसिड में रेड लिटमस पेपर को इंसर्ट करेंगे तो वो रेड का रेड ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, अब एसिड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, जी हाँ, एसिड्स कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। तो एसिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, एसिड हेल्प करता है इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके, एंड दिस पर्टिकुलर थिंग वी विल डिस्कस इन डिटेल। बट दोज एसिड्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट्स, ओके। तो ये आप लोगों को समझना है कि इलेक्ट्रोलाइट्स वो एसिड होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे हमने क्या किया कि हमने एक एसिड को लिया और एक एसिड को डिस्टिल्ड वाटर में मिला लिया। डिस्टिल्ड वाटर में मिलाने का मतलब है हमने उस एसिड को डाइल्यूट कर दिया, एक प्रकार से एसिड में पानी मिलाने को डाइल्यूशन कहते हैं, ठीक है। पर एसिड में पानी नहीं मिलाना, पानी में एसिड मिलाना, ठीक है, ये भी हम डिस्कस करेंगे क्यों होता है। पर इसके लिए हम लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें पहले क्लियर करनी है, अगर वो बेसिक चीज़ें क्लियर ना हो तो ये तमाम चीज़ें आप लोगों को समझ में ही नहीं आएंगी। और अगर आपका बेसिक क्लियर है तो तमाम चीज़ें आप लोगों को याद ही नहीं रखना पड़ेगा, आप लोग बाय डिफॉल्ट अपने कंसेप्ट बिल्ड करके फाइंड कर सकते हैं। सो गाइस, अब हम चेक करेंगे कि ये जो एसिड्स होते हैं, ठीक है, ये एसिड कैसे कैसे रिएक्ट करते हैं अलग अलग केसेस में, ठीक है। तो दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स,
इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग सबसे पहले एसिड को अलग अलग कंपाउंड से, अलग अलग एलिमेंट से, या अलग अलग चीजों से रिएक्ट करवाएंगे और चेक करेंगे कि भाई एसिड का बिहेवियर कैसा है। ठीक है, एसिड का बिहेवियर कैसा है। जैसे सबसे पहले अगर मैंने एसिड को मेटल से रिएक्ट करवाया तो मैं यहां लिखता हूं सबसे पहले रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल्स। ठीक है, नाउ व्हाट आर मेटल्स। मेटल्स मींस पीरियोडिक टेबल में जो भी लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है, जैसे सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, ओके, ऑल दीज आर मेटल्स। जिंक है ना, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये सब मेटल्स हैं। अब जैसे मैंने एक एसिड लिया, बहुत सारे एसिड हैं हमारे पास में, कौन से एसिड हो सकते हैं, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3, नाइट्रिक एसिड, CH3COOH, HCOOH, दिस इज फॉर्मिक एसिड, दिस इज एसिटिक एसिड, ओके। इसके अलावा साइट्रिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड है, मिथेनोइक एसिड है, देयर आर टू मेनी एसिड्स, बट वी विल बी यूजिंग दिस एसिड फॉर द रिएक्शन। सो व्हाट डू वी गेट, सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर एक एसिड है, मान लीजिए H2SO4, और इस एसिड में मैंने एक मेटल को अगर मिलाया और वो मेटल है मान लीजिए जिंक, तो क्या होगा, तो हम देखते हैं कि ये H2 को ये जिंक रिप्लेस कर देगा और यहाँ पे आ जाएगा ZnSO4 प्लस H2 गैस। H2 गैस में आप ऐसा साइन देंगे, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हुआ कि व्हेनेवर एन एसिड लाइक H2SO4 रिएक्ट्स विथ मेटल लाइक जिंक, द जिंक फॉर्म्स इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, जिंक सल्फेट, सल्फेट मतलब सॉल्ट सॉल्यूशन हुआ मेटल का, और ये जो हाइड्रोजन है ये अलग से लिबरेट हो गया, अलग से निकल गया। तो हम क्या लिखेंगे, व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विथ जिंक मेटल, ठीक है, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म। तो जिंक इट इज सॉलिड इन फिजिकल स्टेट, दिस इज एसिड, एसिड इज एक्वियस इन स्टेट, एंड दिस इज एक्वियस इन स्टेट सॉल्ट सॉल्यूशन, एंड दिस इज गैस। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो हम इसे एक जनरल फॉर्म में लिखते हैं, बताइए जिंक क्या है, जिंक है मेटल, ये क्या है एसिड। तो जब हमने मेटल और एसिड को मिलाया तो हमें क्या मिला, जिंक सल्फेट, भले ही ये सॉल्यूशन के फॉर्म में मिले पर जिंक, देखिए सल्फेट है तो ये सॉल्ट हुआ, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब सॉल्ट कैसे पता चलेगा, देखिए क्लोराइड, फ्लोराइड, सल्फेट, सल्फाइड, कार्बोनेट, ये सब सॉल्ट होते हैं, है ना, नोट करके फिलहाल के लिए रख लीजिए, क्योंकि जब भी सल्फेट आएगा आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अरे ये तो सॉल्ट बन रहा है। ठीक है, तो ये फिलहाल हमारा पहला प्रॉपर्टी हुआ कि अगर हमने एसिड को मेटल से रिएक्ट करवाया तो क्या होगा। तो हम देखते हैं कि अब ये वाला जो रिएक्शन है ये हमने सबसे फर्स्ट चैप्टर में किया था, कब, जब हमने इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जाम्पल डिस्कस किया था, क्योंकि यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है। देखिए एक रिएक्शन से आपके दो चीजें सॉल्व होंगी, एक तो इवोल्यूशन ऑफ गैस और दूसरा व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड। अब हमने क्या किया था, हमने एक एसिड में, कौन से एसिड में, H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड में हमने जिंक ग्रैन्यूल्स को छोड़ा, छोटे छोटे जिंक के दानों को छोड़ दिया, और वहां से हमने देखा कि देयर इज ए लिबरेशन ऑफ गैस। अब हमको पता करना है
कि ये गैस कौन सी है, तो हम क्या करते हैं, एक बर्निंग कैंडल वो फ्लास्क के माउथ पे ले जाके रख देते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि वो जलता तो है, कैंडल का जो फ्लेम है वो जल रहा है, बट इट इज मेकिंग ए पॉपिंग साउंड। कैसा साउंड क्रिएट हो रहा है? पॉपिंग साउंड। अब ये पॉपिंग साउंड क्या होता है, आपने एक छोटा वाला फटाका देखा होगा जो ताड़ 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 करते रहते हैं, है ना, वो पॉपिंग साउंड होता है। तो ये पॉपिंग साउंड होने का मतलब है कि वहाँ पे हाइड्रोजन गैस है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस मेक्स अ पॉपिंग साउंड, ठीक है, जब हम उसके पास में किसी बर्निंग कैंडल को लेके जाते हैं। ये हम लोगों ने इलेक्ट्रोलिसिस में भी चेक किया कि एक जगह हाइड्रोजन बन रहा होता है और एक जगह ऑक्सीजन बन रहा होता है, दो टेस्ट ट्यूब में। हाइड्रोजन में पॉपिंग साउंड क्रिएट करेगा और ऑक्सीजन में और स्मूथली जलना शुरू कर देगा, क्योंकि ऑक्सीजन हेल्प्स इन बर्निंग। सो ये जो हाइड्रोजन गैस है ये ऑलमोस्ट हर एसिड में निकलेगा, जब हम हर एसिड को मेटल से रिएक्ट करेंगे। तो आप यहां क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन गैस इज कॉमन टू ऑल एसिड्स। हमें एक बात समझ में आ गई कि आप सारे एसिड्स को लाएंगे और किसी भी एसिड को मेटल से रिएक्ट करिए, हाइड्रोजन गैस का इवॉल्व होना तो मस्ट है, जरूरी है। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपको ये क्वेश्चन पूछेगा कि व्हेन एन एसिड इज रिएक्टेड विथ एन एक्स कंपोनेंट एंड इफ इट इवॉल्व्स ए हाइड्रोजन गैस, व्हाट इज द एक्स कंपोनेंट। आप कहेंगे मेटल। हमेशा याद रखिए, मेटल को एसिड से रिएक्ट करें तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होना जरूरी है, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस इज कॉमन टू ऑल एसिड्स, और ऐसा क्यों होता है ये भी हमने डिस्कस किया कि वो एक पॉपिंग साउंड क्रिएट करेगा। अब ध्यान दीजिए, हमारे घर में दही होता है, हमारे घर में दूध होता है, या हमारे घर में और ऐसी खट्टी चीज़ें होती है, खट्टी चीज़ें मतलब एसिडिक बिहेवियर, तो उन्हें हम लोग कभी भी ऐसे कॉपर के या ब्रास के बर्तनों में नहीं रखते, क्योंकि वो वहाँ कॉपर या ब्रास से रिएक्ट हो जाएगा, कौन, वो एसिड जो दही में या फिर विनेगर में या फिर किसी साइट्रिक एसिड के सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, और वो वहाँ क्या करेगा, वो वहाँ पर ये वाला रिएक्शन कर देगा कि मेटल जिससे वो बर्तन बना हुआ है, मेरी कॉपर और ब्रास, when reacts with acid it will form a poisonous salt along with hydrogen gas, so the salt which is now present in that vessel is poisonous and is injurious to our health, and that is the reason why we always we never keep the acidic nature के जो दही है, जो विनेगर है, या जो भी एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है, उसे हम मेटल के बर्तनों में इसीलिए नहीं रखते हैं। तो आप लोग इसे क्या लिखेंगे, आप लोग इसे लिखेंगे जैसे कि कर्ड एंड अदर फूड स्टफ्स सच एज, देखिए curd and other food stuffs such as vinegar, lemon juice, orange juice, etc. should not be kept in metal vessels because some food stuffs may contain acid which can react with the vessel. किसे react करेगा वो? वेसल से, इज द मेटल, किसके मेटल से, जो वेसल से बना हुआ है, वेसल जिस मेटल से बना हुआ है, सो कैन रिएक्ट विद द मेटल ऑफ द वेसल टू फॉर्म पॉइजनस मेटल कंपाउंड।
which is injurious to health. क्या होगा? फूड पॉइजनिंग हो जाएगा अगर आप उन खट्टी चीजों को, उन एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक वाली चीजों को मेटल के वेसल में रखते हैं, तो वहीं पे वो रिएक्ट करना शुरू कर देता है। कैसे रिएक्ट करता है? जो हमने अभी पढ़ा कि मेटल प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, ठीक है, तो उसे सॉल्ट प्रेजेंट होता है ना, वो पॉइजनस इन नेचर होता है और उसकी वजह से फूड पॉइजन हो सकता है। और इसीलिए आप लोगों को ये वाला चीज बहुत ही अति आवश्यक है कि आप इसे समझ के रखें। क्या क्वेश्चन आएगा आप लोगों को कि वाई कर्ड, लेमन जूस और ऑरेंज जूस और फूड स्टफ्स लाइक एसिडिक इन बिहेवियर आर डज नॉट केप्ट इन मेटल्स वेसल, दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। सो गाइस, ये क्वेश्चन आता है लगभग एक बार के लिए कि ऐसा क्यों, तो आई होप अब आप लोगों को क्लियर है कि ऐसा क्यों। तो पहली प्रॉपर्टीज हमने चेक कर ली है जिसमें हमने देखा कि मेटल एसिड से रिएक्ट होता है तो क्या होता है। अब हम देखते हैं कि एसिड को रिएक्ट करवाएंगे मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स से, ठीक है। तो आप इन चीजों को याद रखें कि जब मेटल कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट होगा तो क्या फॉर्म करेगा, तो मेटल कार्बोनेट को जब हम एसिड से रिएक्ट करवाएंगे तो वो फॉर्म करेगा एक सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। H2O इज वाटर, CO2 इज कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो मेटल कार्बोनेट का एग्जाम्पल क्या है, जैसे मेटल मतलब सोडियम, कार्बोनेट मतलब कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट, मैं ले लेता हूँ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट मीन्स Na2CO3 प्लस एसिड। कौन से एसिड को लेंगे आप, HCl को ले सकते हैं, H2SO4 को ले सकते हैं, HCl को ले सकते हैं, तो आपको क्या मिलेगा NaCl, एक आपको सॉल्ट मिलेगा जो है NaCl प्लस CO2 प्लस H2O, ठीक है। NaCl तो आपको पता है कि क्या है, नमक। अब ये बैलेंस है क्या, तो यहाँ Na कितने हैं, दो, यहाँ Na एक ही है, यहाँ दो लगा दो तो Na दो हो गए और Na दो हो गए, पर इस टू की वजह से Cl भी टू हो गए, यहाँ Cl एक ही है तो यहाँ Cl को टू लगा दो तो Cl भी टू हो गया बराबर, पर इसकी वजह से H कितना हो गया टू, तो यहाँ चेक करो H बराबर टू है। O कितने हैं, तीन है, तो O यहाँ दो आ गया और यहाँ एक तीन आ गए बराबर, और Na दो है, Na दो है, और C एक है, C एक है, Cl अलग है और C अलग है, ठीक है, उसमें मत आप लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो व्हाट इज दिस, दिस इज सोडियम कार्बोनेट, व्हेन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, इट रिएक्ट्स, इट गिव्स अ सॉल्ट, विच सॉल्ट इट इज सोडियम क्लोराइड, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड दिस इज ऑक्सीजन। ये जो सॉल्ट है भैया, ये हमारा कैसा होगा, सॉलिड होगा कि लिक्विड होगा कि गैस होगा, ये होगा सॉलिड, ये होगा एसिड, हमेशा एक्वियस सॉल्यूशन में पाया जाता है, एसिड को हम हमेशा सॉल्यूशन के फॉर्म में यूज करेंगे। NaCl सॉल्ट, ये सॉल्ट है पर ये फिलहाल इस सॉल्यूशन के अंदर फॉर्म हुआ है तो ये एक्वियस होगा। CO2 गैस है और वाटर लिक्विड है। तो इस तरीके से आप लोगों को ये बताना है कि मेटल कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट होगा तो सॉल्ट फॉर्म करेगा, CO2 तो निकालेगा ही निकालेगा और H2O भी फॉर्म करेगा। एक और हम इस चीज़ का एग्जाम्पल लेके चेक करते हैं। सो गाइस, एक और चीज़ हमें चेक करनी है,
कि अब हमने चेक किया एसिड मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो क्या करता है, अब हम चेक करेंगे एसिड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो वो क्या करेगा, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से भी रिएक्ट करेगा तो बात ध्यान में रखिए वो ऐसा ही फॉर्म करेगा। बस आपको क्या करना है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट when reacts with acid it forms the same result as it produced in the case of metal carbonates। जैसे हम एक example लेते हैं NaHCO3 हो जाएगा, ठीक है। NaHCO3 क्या होता है, metal hydrogen carbonate में NaHCO3 sodium हाइड्रोजन कार्बोनेट ओके प्लस एसिड, कौन सा एसिड ले लेता है, HCl ले लेते हैं, HCl एसिड एक्वियस होगा, ये भैया हमारे सॉलिड होंगे तो यहां से हमें क्या मिलेगा, वही मिलेगा सेम सॉल्ट, कौन सा सॉल्ट, यहां से Na और यहां से Cl प्लस CO2 plus H2। और अब आप इसे चेक करिए क्या ये इक्वेशन बैलेंस है, चेक करिए Na एक है H1 और 1 2 है H2 आ गए, O कितने हैं 3, 2 और 1 और 3, ये C मतलब कार्बन, कार्बन एक है बराबर है, H को काउंट कर लिए थे, Cl एक है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन व्हेन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट्स विथ एसिड। तो हमें एक चीज तो समझ में आ गई कि भाई मेटल कार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, जब वो एसिड से रिएक्ट होगा तो वो फॉर्म करेगा सॉल्ट CO2 और H2O ही, द रिएक्शंस आर सेम। पर गाइस ये पढ़ने के बावजूद बहुत सारे लोग इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाते, क्योंकि इसमें क्वेश्चन क्या आता है, इसमें क्वेश्चन आता है कि मुझे बताइए कि CO2 इवॉल्व हो रहा है, व्हेन डज एन एसिड गिव्स आउट CO2 गैस, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि जरूर एसिड या तो मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट हो रहा है या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से, तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो गाइस अब हमने देखा कि CO2 गैस निकल रही है, हम पता कैसे करेंगे कि CO2 गैस इवॉल्व हो रही है, हाउ डू वी गेट टू नो कि भाई CO2 गैस इवॉल्व हो रही है, तो CO2 गैस का एक सिग्नेचर रिएक्शन होता है, क्या रिएक्शन होता है कि इस CO2 को, ये जो हमने क्या किया इससे पहले से दो रिएक्शन लिखे वो रिएक्शन किए उनमें से एक गैस इवॉल्व हुआ, हमने पढ़ा वो CO2 है पर हमको वो वेरीफाई करना है, हमें वो चेक करना है कि वो CO2 गैस है, तो हमने क्या किया उस गैस को लाइम वाटर से पास करवा दिया। लाइम वाटर मतलब क्या होता है, लाइम वाटर मतलब चूने वाला पानी, CaOH2। आपने चूना खरीद के लाया और उसे पानी में घोल दिया है ना, वो क्या है लाइम वाटर। तो ये क्या होगा, एक्वियस इन नेचर होगा, CO2 गैस होगा। CO2 कहाँ से आया है, वो वहां से आ रहा है, कहाँ से, जो हमने इसके पहले रिएक्शन करवाई एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो हमें ये पता है कि अगर हम लाइम वाटर से CO2 को पास करवाएंगे तो ये क्या फॉर्म करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये वाइट कलर का होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है वाइट कलर का, और ये वाइट कलर का एक प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा, और ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 गिव्स CaCO3, यहां से एक और O निकल गया बचा क्या, H2O वॉटर, वॉटर कैसा होगा लिक्विड। तो हमने क्या किया, हमको वेरीफाई करना है कि भाई इसके पहले वाले रिएक्शन में जब हमने एसिड को मेटल कार्बोनेट से या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करवाया
तो सर ने बोले कि CO2 निकल के, पर हम वेरीफाई कैसे करेंगे? हम वेरीफाई ऐसे करेंगे कि जब भी आप CO2 गैस को चूने के पानी से पास करते हो तो एक वाइट कलर का पीपीटी फॉर्म होता है। अब आप चेक करो वो रिएक्शन करने के बाद उस गैस को काइन से पास करवाओ लाइम वाटर से और चेक करो क्या वाइट कलर का पीपीटी फॉर्म होता है क्या। अगर हो रहा है तो आप क्या कहेंगे, सही बात है, कौन सी गैस निकली थी, CO2। अच्छा इसमें भी अगर आपको शक होता है तो आप क्या करो, आप फिर से इसमें मतलब और CO2 पास करने के बाद में ये रिएक्शन हो गया ना, और CO2 पास करते जाओ, CO2 को पास करते ही जाओ, तो पहले CO2 पास किए तो इससे ये बन गया। अब हमने CO2 पास किए तो ये क्या बन जाएगा, वापस से ये बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्म करेगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस वाटर, ठीक है। तो अब ये कलरलेस है, मतलब पहले आपने CO2 पास किया लाइव वाटर में तो ये व्हाइट कलर का पीपीटी फॉर्म कर दिया। व्हाइट कलर का पीपीटी मतलब ये चॉक लाइक सब्सटेंस किसके अंदर में फॉर्म हुआ है, ये उस बीकर के अंदर में फॉर्म हुआ जहां पे हम रिएक्शन करवाना चाहते हैं। अब हमने क्या किया, हमारा मन नहीं भरा, हमने और CO2 पास कर दिया और CO2 पास किया, ये फॉर्म होने के बाद में भी CO2 हम पास करते गए, तो अब ये CaCO3 CO2 से रिएक्ट होता है और क्या फॉर्म करता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस H2O। नाउ दिस इज ए कलरलेस सब्सटेंस, और इस तरीके से हमें पता चलता है कि भाई यस देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ CO2 व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्योंकि वही गैस को हमने यहाँ पर इसके साथ रिएक्ट करवाया और उसी गैस को फर्दर इसके साथ रिएक्ट करवाया। सो हाउ विल यू राइट दिस एक्सपेरिमेंट, यू विल राइट वी, अब आपको क्वेश्चन क्या आएगा, आपको क्वेश्चन आएगा कि हम कैसे ये पता करेंगे कि जब एसिड, हम ये कैसे पता करेंगे कि जब एसिड मेटल कार्बोनेट से या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो CO2 गैस निकलती है, हमें ये पता करने की क्वेश्चन है कि आप कैसे पता करेंगे कि एसिड को मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करवाए तो सॉल्ट तो बन रहा है, चलिए ये बात आपकी हमने मान ली, पर CO2 फॉर्म हो रहा है ये हम कैसे पहचानेंगे। तो आप क्या करोगे, आप ये रिएक्शन लिख के बताओगे कि भाई व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट एंड द गैस दैट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन इज पास थ्रू लाइम वाटर, द लाइम वाटर टर्न्स वाइट इन कलर और ऑल्सो टर्न्स मिल्की, मिल्की मीन्स दूध के जैसा होता है, दूध नहीं है पर हाँ, सो द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की and that is how we get to know that yes there is a formation of CO2 gas. If we further allow the gas from this reaction to pass through the solution, we further see that the calcium carbonate further reacts with carbon dioxide gas, okay, to form a colorless solution of calcium hydrogen carbonate along with the formation of water, and the solution becomes clear, colorless. पहले कैसा था, milky, अब कैसा हो गया, colorless. तो ये respiration में भी हम पढ़ेंगे, हमको respiration में एक question पूछते हैं कि proof करके बताओ कि human beings carbon dioxide exhale करते हैं, कैसे बताओगे, same reaction. भाई आप एक काम करो, आप लाइम वाटर लाओ और लाइम वाटर को एक टेस्ट ट्यूब में रखो और उसमें आप सांस छोड़ के जाओ बार बार, ऐसे 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 बार बार छोड़ो, आपको देखिएगा कि अरे ये जो लाइम वाटर है इसके अंदर में एक वाइट कलर का पीपीटी फॉर्म होना शुरू हो गया, फिर आप फर्दर उसके अंदर में एक्सहेल करते रहो, आप देखोगे कि थोड़ी देर में वो सॉल्यूशन कलरलेस हो जाएगा।
So this is also the proof that we human beings exhale CO2 gas, and this is how the reaction occurs. Guys, I hope you all are clear here. Okay, so guys.